नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर कम्प्लीटली हम डिस्कस करने वाले हैं रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स और चैट जीपीटी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग तरीके के चैटबॉट्स होते हैं और जो चैटबॉट का मार्केट है आने वाले 10 से 15 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है। रूल बेस्ड चैटबॉट्स होते हैं, कुछ जनरेटिव होते हैं चैटबॉट्स, कुछ होते हैं डोमेन बेस्ड, लेकिन हम आज जिन चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स होंगे और चैट जीपीटी के बीच क्या डिफरेंसेस हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए डिटेल में हम समझेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज कि किस तरीके से क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्राइटेरिया वाइज हर एक चीज़ को हम समझने वाले हैं। अगर हम पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसमें कि रिस्पॉन्स जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जो रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स हैं वो क्या करते हैं, पहले से ही प्रीडिफाइंड सेट रिस्पॉन्सेस होते हैं उनके अंदर। वो एक कीवर्ड एक पैटर्न के ऊपर होते हैं जो कि एक यूजर जो भी उनको इनपुट देता है ना, उस इनपुट के बेसिस पे वो रिजल्ट्स को देते हैं। लेकिन चैट जीपीटी क्या है, कंप्लीटली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है, ये जनरेट करता है यूनिक रिस्पॉन्सेस, रिपीटेड रिस्पॉन्सेस को जनरेट नहीं करता है। तो रिस्पॉन्स जनरेशन में आपने डिफरेंस को समझा। अब हम आते हैं पर्सनलाइजेशन पे। इसकी जो एबिलिटी है, चाहे रिट्रीवल बेस्ड की रिट्रीवल बेस्ड की बात करें तो लिमिटेड है, और ये क्या कर सकता है, अपने प्रीवियस डेटा के बेसिस पे यूजर को एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देता है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये लिमिटेड है, ये टू द टॉपिक या जिस तरीके से इसको प्रोग्राम किया जाएगा वो उसी तरीके के रिजल्ट देगा। लेकिन चैट जीपीटी इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इसके पास वाइड रेंज है, बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा डेटा है, तो वो ज़्यादा आपको रिजल्ट दे सकता है। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो ये कम समय में लिमिटेड डेटा में ट्रेन किया जा सकता है रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स को। लेकिन अगर हम चैट जीपीटी की बात करते हैं तो इसको रिक्वायर्ड होता है एक बड़ा अमाउंट का डेटा, और आप कह सकते हो कि रिट्रीवल बेस्ड, आप कह सकते हो कि रूल बेस्ड से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है, लेकिन ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है चैट जीपीटी अगर हम बात करते हैं। कुछ और हम डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे सेम इसी क्राइटेरिया वाइज। अलग अलग क्राइटेरिया वाइज हम चीज़ों को समझते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान होती हैं। अगर हम इंगेजमेंट की बात करते हैं कि रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स का इंगेजमेंट कन्वर्सेशन कैसा होता है, तो वो नेचुरल इंगेजिंग कन्वर्सेशन हो सकता है, कभी कभी वो गलत भी दे सकता है। लेकिन चैट जीपीटी बिल्कुल एक जीपीटी है, यानी कि पहले से ही ट्रेंड है इंसानों की तरह, वो रिजल्ट्स देता है, तो कहीं ना कहीं आपको नेचुरल इंगेजिंग कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगा यूजर्स के साथ में। अगर हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो जो भी रूल्स आप सेट करोगे, जो भी डिप्लॉय करोगे रिट्रीवल बेस्ड चैट बोर्ड्स में, उसमें कभी कभी इनएक्यूरेट हो सकता है, इनएक्यूरेट हो सकता है, क्योंकि वो एक कीवर्ड्स पे काम करता है। अगर ये कीवर्ड होगा तो उसका आंसर ये देगा, लेकिन चैट जीपीटी आपके प्रीवियस जो कन्वर्सेशन है उसको भी समझ जाता है और उसके बेसिस पे वो रिजल्ट देता है आपको। ये एक कम्प्लीटली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो जनरेट करता है रिस्पॉन्सेस को, यानी कि कहीं ना कहीं एक्यूरेसी और रिलेवेंट वो ज़्यादा होता है। स्केलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये लिमिटेड हम उसको स्केल कर सकते हैं रिस्पॉन्सेस, जो कि प्रीडिफाइंड है तो मैनुअल अपडेट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसको हम ईजिली स्केल कर सकते हैं। अगर एक बार हमने डेटा फीड किया है 2021 तक का, तो आने वाले 5 सालों में और डेटा हम फीड कर सकते हैं, इससे कि इसकी स्केलेबिलिटी और बढ़ सकती है। अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग टाइमिंग की, तो इसमें कम टाइम लगता है ट्रेन करने में, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगता है इसको ट्रेन करने में, बहुत ज़्यादा ही डेटा सेट्स की जरूरत होती है, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व कर पाता है। ये चैट जीपीटी की कह सकते हो कि पोटेंशियल है, ये उससे डिफरेंट बनाता है। इसी तरीके से हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे और डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे रिट्रीवल और चैटबॉट्स जो होते हैं चैट जीपीटी में क्या डिफरेंसेस है। मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस इसमें अपडेट करना पड़ता है फ्रिक्वेंट, जो रिट्रीवल बेस्ड होते हैं कभी कभी कनेक्शंस लूज हो जाता है तो वो कीवर्ड्स पे काम नहीं करता, तो हमें उसकी जो मेंटेनेंस की जो एक्यूरेसी है वो हमें ध्यान देना पड़ता है। इसी तरीके से हम जीपीटी पे बात करते हैं तो उसका जो मेंटेनेंस है वो लेस कम जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सेज को जनरेट करता है। डिप्लॉयमेंट की जो कॉस्ट है वो कम एक्सपेंसिव है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चैट जीपीटी की जो डिप्लॉयमेंट की कॉस्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम अवेलेबिलिटी की बात करें कि ये अवेलेबल होता है प्री बिल्ड रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट्स प्लेटफॉर्म होते हैं। अगर हम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में कुछ फ्रेगमेंट आंसर चाहिए तो वहाँ पे हम इस तरीके के चैटबॉट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी के बारे में तो ये एक्सपेंसिव होता है इनका डिप्लॉयमेंट, और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज में हम इसका यूज़ करते हैं।
यूज केसेस की बात करते हैं। देखिए अगर कोई स्पेसिफिक टाइप का या एक कोई कीवर्ड्स बेस्ड आपको क्वेरीज या टास्क पे आपको आंसर देना है तो वहां पे रिट्रीवल बेस्ड चैटबॉट सफिशियंट है। लेकिन अगर आपको वाइड रेंज में यूज करना है लाइक कस्टमर सर्विसेज, लैंग्वेज का ट्रांसफॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स कन्वर्सेशन, तो वहां पे चैट जीपीटी काम आने वाला है। रिसर्च में चैट जीपीटी आपकी बहुत मदद कर सकता है। सो आई होप कि आपको रिट्रीवल बेस्ड जो चैटबोर्ड्स हैं और जो चैट जीपीटी है उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।